एक टैंक बैग है और ये है दैट्स इट, ज्यादा कुछ सामान है नहीं और काफी सामान इसमें आ गया है। दोस्तों अभी निकलते हैं मजेदार टूर के लिए, टूर है वो काफी जबरदस्त रहने वाला है। वेलकम टू माय चैनल क्विक फिक्स इंडिया, मेरा नाम है दोस्तों रवि। आज मैं बहुत मजेदार सफर पे निकला हूँ मथुरा के लिए जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो आज हम तीन स्टेट कवर करके जाने वाले हैं। अभी का बजा है 5:15, होपफुली 5:30 तक निकल जाएंगे। फटाफट रैप अप करते हैं, चलो मिलते हैं आगे। Thankful, this is ready to go. Bye, Mansi. Bye, take care. दोस्तों आज हम निकले हैं मथुरा की ओर और मैं कर रहा हूँ सोलो राइड। सोलो राइड, अभी आप सोचते होंगे रवि भाई सोलो राइड क्यों कर रहे हैं। दोस्तों कभी कभी लाइफ में अकेला जो सोलो राइड होता है वो करना ज़रूरी है, जिससे आप फोकस्ड होते हो। अभी आज जब मैं बाइक चला रहा हूँ मुझे कुछ मेरे दिमाग में नहीं है, खाली ये है कि मैं एक राइड कर रहा हूँ और एक वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मज़ेदार ब्रेकफास्ट हो चुका है और मैं यहाँ पे देख सकते हो बाकी सारे राइडर्स भी दिख रहे हैं लेकिन ये मेरे साथ नहीं, मैं तो सोलो ही राइड कर रहा हूँ। मज़ा आता है राइडर को सुबह सुबह मिलके। अभी दोस्तों हुआ 213 किलोमीटर, अभी लिया है सेकंड ब्रेक, काफ़ी थक गया हूँ तो थोड़ा बॉडी वॉडी स्ट्रेच करना ज़रूरी है। और गुजरात में आपका स्वागत है, अभी हूँ गुजरात में टोल के पास, तो अभी यहाँ पे अच्छा चाय ब्रेक लिया गया है, चाय पीते हैं फिर निकलते हैं वापस। तो आज लास्ट डेट है फास्टैग का, फास्टैग रेन कल से फास्टैग डबल टोल लगेगा। औरा के बाद जो मैं निकला हूँ औरा तक का जो राइड था, मैं सोच रहा था कि रोड खाली है, बाकी कोई दिमाग में कोई चीज़ का थॉट्स नहीं आ रहे हैं। हम लोग खाली रोड के ऊपर देख रहे हैं, रोड को समझ रहे हैं और रोड पे कुछ थ्रेट्स आ रहे हैं क्या, कोई गाय आती है, कोई भैंसे आती है, साइड से आ रहा है कोई बाइक वाला आ रहा है, एकदम से कोई ट्रक ब्रेक मार रहा है। तो हम लोग नज़र रख रहे हैं हर चीज़ों पर, जैसे कि हम लोगों ने बिज़नेस में इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, यही मैं सोच रहा था अभी कि बिज़नेस में कोई थ्रेट है या कोई नई चीज टेक्नोलॉजी आ रही है या कोई नया कॉम्पिटिटर खड़ा हो रहा है। तो वैसे ही तो सोलो राइड से दोस्तों आपको आपको खुद को पहचानने को मिलता है, आप खुद को अच्छे से पहचान सकते हो और एक अलग तरीके का एंजॉयमेंट है जो कि मतलब आपको कहीं नहीं मिलेगा। गाड़ी जो है 356 किलोमीटर चला है, अभी रिजर्व पे आया है, अभी पेट्रोल डालेंगे ताकि फुल कर दो। ये कौन सा एरिया है? ये करजन। करजन यहाँ से बड़ौदा कितना दूर है? 30 किलोमीटर। 30, तो हम लोग जो है बड़ौदा के 30 किलोमीटर पहले है नहीं? तो पेट्रोल डाल के हो चुका है, अभी अभी निकलते हैं। तो गाड़ी ने जो एवरेज है वो अप्रोक्सीमेटली 23 का एवरेज दिया है, नहीं 15 लीटर में गाड़ी चली है 350 किलोमीटर, मतलब 22.5 के जैसा एवरेज दिया है, काफ़ी अच्छा है। चलो अभी आगे का सफर करते हैं शुरू। तो दोस्तों अभी हो चुके हैं 400 किलोमीटर का राइड कंप्लीट हुआ है, 400 किलोमीटर हो चुका है। अभी हूँ मैं वडोदरा में, वडोदरा अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे। आज का प्लान जो था वो जयपुर पहुँचने का था बट आई डोंट थिंक सो जयपुर पहुँच पाऊँगा, लेकिन अजमेर ट्राई कर रहा हूँ या फिर उदयपुर, देखते हैं कहाँ पहुँच सकते हैं। राइड शुरू है, चालू है और स्टार्ट है,
देखो मजेदार व्लॉग आने वाले है। गुजरात में दोस्तों सबसे बेस्ट चीज जो है ना वो ये है छाछ। सो भिंडी मसाला चपाती। मेरे एक हाथ में ग्लव्स है और एक हाथ में नहीं है। दो तीन अर्जेंट फोन आने वाले हैं जिसका मैं राह देख रहा हूँ, इसलिए मजेदार है। तो दोस्तों उदयपुर पहुंच चुका हूँ। ये एक छोटा सा कमरा यहाँ बुक किया है, देखिए काफ़ी अच्छा है। ये मेरे सारे राइडिंग गेयर्स यहाँ रखे हैं। छोटा सा कमरा, बस सोने की दीरी है। अभी बजे 8, थोड़ा कुछ खाना वाना खाते हैं, सोच रहा हूँ दाल बाटी खाऊँ जो राजस्थानी फेमस है बाहर जाके, और बाद में सोते हैं। कल सुबह 6 बजे वापस राइड चालू करना है और नेक्स्ट डेस्टिनेशन रहेगा सीधा मथुरा, लेकिन वाया जयपुर जाएंगे और जयपुर में एक स्पेशल बंदे को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा वो स्पेशल बंदा कौन है। दोस्तों अभी बजे सुबह के 5:45, दूसरे दिन में आपका स्वागत है। काफ़ी मज़ा आया, रात में नींद में ऐसा लग रहा था कि हिल रहा है बेड, ऐसा लग रहा बाइक चला रहा हूँ, तो पता नहीं आदत नहीं इसकी वजह से होता होगा शायद, या शायद आपके अगर आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो बताइए। पानी जो है गर्म आ नहीं रहा था, ठंडे पानी से नहाना पड़ा, लेकिन चलता है पूरी, मतलब बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड है, ठंडे पानी से नहाना ठंडी में समझ सकते हो, तो पूरी बॉडी की ठंडी निकल चुकी, एकदम फ्रेश है। अभी 5 मिनट में निकलते हैं, फिर ऑन द वे चाय पीते हैं। यहाँ पे अभी चाय है नहीं, यहाँ पे अभी तक खुला नहीं है, तो 6 बजे यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं, निकलते हैं। सो आज हम रहे थे ये मंगलिन होटल में उदयपुर में, अभी निकल रहे हैं मथुरा की ओर, तो पहले चाय पिया जाएगा। चाय की टपरी वहाँ है, लेकिन देखते कोई ढाबे वाबे पे अच्छा चाय पीते हैं। चाय अच्छा बनाता है? बढ़िया बनाता है ना। चलो चाय पीते उधर, ठंड बहुत ज़्यादा है तो पहले अभी चाय पीते हैं। गाड़ी हो गई रेडी, गाड़ी को गर्म करना ज़रूरी है, थोड़ा गर्म होने दो गाड़ी को, कोई इशू नहीं है, तब तक चाय पी लेते हैं, 5 मिनट में निकलते हैं। तो हमने टोटल गाड़ी जो चलाई थी कल वो है 765 किलोमीटर, और यहाँ से दोस्तों है मथुरा 600 किलोमीटर। तो अभी निकलते हैं मथुरा के लिए, गाड़ी रेडी है, सब कुछ रेडी है, गाड़ी वार्म अप हो चुकी है, निकलते हैं अभी। मैंने हाईवे पे ही बुक किया था, सुबह सुबह हाईवे से ही निकल जाएंगे। सिटी में कल गया था लेकिन वहाँ पे कुछ पार्किंग नहीं मिल रही थी सेफ बाइक के लिए, तो वो वहाँ पर होटल बुक नहीं किया। यहाँ पर काफ़ी सेफ पार्किंग थी, चलो दोस्तों निकलते हैं अभी। अभी निकले हैं उदयपुर से, सुबह सुबह का 6 बजे है, काफ़ी मज़ेदार वेदर है, ठंड लग रही है, और जो रोड है देखिए आप, पूरा खाली रोड है, लेकिन मुझे ओवर स्पीड नहीं करना है, राइड एंजॉय करना है। देखो यहाँ पे माउंटेन्स, देखो कैसे सुनहरे माउंटेन्स है। दोस्तों टोटल राइड हो चुकी है 867, अभी 100 किलोमीटर हो चुके हैं, और 100 किलोमीटर पे एक चाय ब्रेक लिया है यहाँ पे, यहाँ से अभी भी अजमेर 150 किलोमीटर। डाल दिया है भैया, अभी निकलते हैं मुंबई की ओर, मथुरा की ओर। कंफ्यूज थे भैया,
कहा कर रहे हैं ये, फोन पे बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं? तो दोस्तों टोटल जर्नी अभी हो चुकी है 1201 किलोमीटर। मैं अभी जस्ट अभी जा रहे हैं मथुरा की ओर, जयपुर क्रॉस हो चुका है, अभी खाना खाने के लिए रुके हैं। काफ़ी अच्छा होटल दिख रहा है ये वाला। जयपुर में प्लान था गगन भाई को मिलने का, जो स्पेशल पर्सन के बारे में बात किया था, लेकिन वो आज बाहर है, आउट ऑफ जयपुर है। आने में थोड़ा लेट हो रहा था और मेरे को जल्दी पहुंचना था मथुरा, तो मिल नहीं पाए। बाकी जो स्पेशल पर्सन जो मैं बात किया था कल, गगन भाई थे। तो चलो अभी थोड़ा खाना खाते हैं। मक्के की रोटी सरसों का साग, मक्के की रोटी सरसों का साग एंड छास, माय फेवरेट। अभी खाना का तो गुड़ भी है। दोस्तों बहुत मज़ेदार खाना था, राजश्री रिसोर्ट, ये जो है जयपुर दिल्ली हाईवे पे है। काफ़ी मज़ेदार खाना था, मक्के की रोटी सरसों का साग, मज़ा आ गया खा के। पेट ज़्यादा भरना नहीं था, तो अभी राइड करते हैं। यहाँ से लगभग 3-3.5 घंटा है मथुरा, चालू कर दे राइड को। काफ़ी इंसेक्ट्स यहाँ मरे हैं, अभी ज़रा इसको क्लीन कर देते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो काफ़ी इंसेक्ट शहीद हुए हैं। सो वेट वाइप हेल्प कर रहे हैं, एबिलिटी थोड़ी दिक्कत देती है ज़्यादा इंसेक्ट रहेंगे तो। थोड़ा अभी माइक्रोफाइबर क्लोथ से साफ कर देते हैं। सो दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं लुधावी टोल के पास, दोस्त मिल गए यहाँ पे थोड़े, तो उनसे बात कर ली, मज़ा आया ज़रा मिल के। क्या नाम है आपका? मनीष। मनीष भाई के मिले। मनीष भाई YouTube पे काफ़ी वीडियोस देखते हैं, तो बोले कि यार कैमरा दिख रहा है, आप YouTube के हो क्या? तो मैं बोला हाँ मेरा भी YouTube चैनल है, तो जो भी कैमरा लेके दिखते हैं आपको लगता है यूट्यूबर है। तो देखो तो पहचान लेते हैं यूट्यूबर को। चलो मनीष भाई मजा आया आपसे मिलकर। चलो अभी सीधा मथुरा मिलते हैं, यहाँ से 30 किलोमीटर है मथुरा, आधे पौने घंटे में पहुँच जाएंगे। सो दोस्तों फाइनली पहुँच गए मथुरा, यहाँ पे बाइक पार्क है, काफ़ी सेफ पार्किंग है, बंदर वंदर होते हैं तो उसके लिए पूरा कवर्ड है। एंड दिस इज द आश्रम, काशी विश्वनाथ आश्रम। तो यहाँ मज़ेदार छोले कुलचे खाने वाले हैं अभी। तो पनीर डाला जा रहा है उसके ऊपर, बहुत ज़बरदस्त छोले कुलचे थे, खाके मज़ा आ गया। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ खड़े हैं, छोले कुलचे खाए मज़ेदार। और यहाँ पे देखो गवर्नमेंट ने लगाया सोलर नहीं, ये हीटर है बेसिकली, नीचे में सिलेंडर लगाया हुआ है, मज़ेदार। और प्रतीक भाई जो मथुरा के हैं हमारे साथ में है, प्रतीक भाई ने मज़ेदार आज छोले कुलचे खिलाए, थैंक यू प्रतीक भाई। सो दोस्तों यहाँ वीडियो को ख़त्म करते हैं, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते रहेंगे। राइडर्स प्लीज़ वेयर हेलमेट, ड्राइवर प्लीज़ वेयर सीट बेल्ट, कीप द रोड क्लीन, कीप द रोड सेफ, कीप द सिटी क्लीन। थैंक यू।